तस्वीर में आज हम आपको सैर करवाएंगे अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग और तिरप की। मैं अपराजिता हूं आपके साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 पर। और जैसा मैंने आपको बताया था, हमारे साथ कोई है। जी हाँ, हमारे साथ हैं सोलो फीमेल ट्रैवलर निहारिका अरोड़ा, जो भारत के सीमावर्ती गांवों की कहानियां लेकर आती हैं मेनलैंड तक। अब तक ये लेह, लद्दाख, कारगिल, गुजरात के कच्छ, अरुणाचल, मणिपुर और उत्तराखंड के गांवों को कवर कर चुकी हैं। इनका मानना है कि बॉर्डर एरियाज के बारे में जानने के लिए वहां जाकर रहना जरूरी है। तो आज निहारिका जी के साथ हमारी बातचीत होगी और आज हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे, इन्हीं के अनुभव। बहुत बहुत स्वागत है निहारिका आपका। थैंक यू, बहुत बहुत खुशी है मुझे यहाँ पर आने की और इंडिया के ऐसे कोनों के बारे में बात करने की जहाँ तक लोगों तक इन्फॉर्मेशन बहुत कम पहुँच पाती है। और आज हमारी जो जगह है और जहाँ हम अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से घुमाने वाले हैं, आपके अनुभवों के माध्यम से हम उन्हें सैर कराने वाले हैं, वो है अरुणाचल की तिरप और लोंगडिंग। तो मैं जानना चाहूंगी निहारिका कि यहाँ पहुंचा कैसे जा सकता है, क्या यहाँ पहुंचना आसान है या बहुत मुश्किल? तो सीमाओं और बॉर्डर्स का नाम सुनते ही हमें लगता है कि यहाँ पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन अरुणाचल के इन कोनों तक पहुंचना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैंने डिब्रूगढ़ तक की फ्लाइट ली थी। डिब्रूगढ़ पे एक एयरपोर्ट है, ढाई घंटे वहां से दूर लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट तक आप पहुंच सकते हो। अच्छा। और रेलवे से जाना चाहें तो रेलवे से भी पहुंचा जा सकता है डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से। और अगर यहां से उतरने के बाद आपको क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलता है? सो बेसिकली सिंस ये जगह थोड़ी सी कटी हुई है लेकिन एयरपोर्ट से और रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है, यहां पर टैक्सीज आपको जरूर मिल जाएंगी। टैक्सीज के साथ यहाँ पर गाइड्स भी हायर करे जा सकते हैं जो जो कि आपको बिल्कुल यहाँ पे जो इंटीरियर में गांव है वहां पे लेके जाएंगे। क्या बात है। और मुझे उम्मीद है कि उन गांवों की कहानी हम आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम ये बता दें लिसनर्स को कि यहाँ मौसम कैसा रहता है और क्या वो इस मौसम में जो अब हम दिल्ली में फेस करने वाले हैं मॉनसून, उसका सामना वहां भी करना पड़ेगा? बिल्कुल, मॉनसून नॉर्थ ईस्ट में इस टाइम पूरे जोरों शोरों पर है। और मैंने जब लोंगडिंग और तिरप की सैर करी थी, मैं गई थी समर्स में और बेस्ट सीजन इसका है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो कि आप विंटर्स और समर्स का टाइम होता है। जी जी, मार्च और अप्रैल में तो यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं। क्या बात, दैट इज द बेस्ट टाइम टू बी देयर। बहुत कलरफुल होता होगा सब कुछ, है ना? और वहाँ के जो ड्रेसेस और अटायर्स है उन सब की बातें करेंगे हम, वहाँ के कल्चर को जानेंगे और जैसा निहारिका ने हमें बताया कि फेस्टिवल्स होते हैं उनकी भी जरूर बात करेंगे जब बात छिड़ी है तो। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि आप एफएम गोल्ड पर हैं तो एक गाना तो बनता है। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, ओ तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फे हैं या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कजा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, आहा, तुम सा नहीं देखा। हसी रुत भी हसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हसी रुत भी हसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं,
पिए बिन आज हमें चढ़ा नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। तुम ना अगर बोलोगे सनम, तुम ना अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो। मान के तो देखो कभी किसी का कहा, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। जी हाँ, तस्वीर में आज हमारे साथ निहारिका अरोड़ा हैं, जो सोलो ट्रैवलर हैं, और आज बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग और तिरप जगहों की। और इन जगहों के बारे में हम ये जानते हैं निहारिका, कि अरुणाचल प्रदेश में 26 के करीब जनजाति यानी कि ट्राइब्स हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? अरुणाचल प्रदेश अपने आप में ही एक कंट्री में है, उसको बता सकती हूँ। और यहाँ पर लोंगडिंग और तिरप में जाकर मेरी मुलाकात तीन जनजातियों से हुई, वांचू ट्राइब, नोक्ते ट्राइब और ओलो ट्राइब। अच्छा, ये ट्राइब इतने कलरफुल हैं दिखने में, इनका इनकी संस्कृति, इनके फेस्टिवल का सेलिब्रेशन, की यही मेन चीज है जिसके लिए आप इस जगह को विजिट करना चाहोगे। और अगर हम जानना चाहें आपसे कि किस तरह के कपड़े ये पहनते हैं, या कोई खास ऑर्नामेंट्स होते हैं जो ये पहनते हैं? ये लोग काफी शेल्स वगैरह यूज करते हैं, और पहले के जमाने में हेड हंटिंग भी होती थी, तो उस टाइम के कलेक्ट करे हुए हॉर्न्स इनके पास रखे होते हैं। खुद अच्छा? के कपड़े ये लोग खुद बनाते हैं हैंडलूम्स पर, और काफी कलरफुल अटायर होता है जो कि सबसे ज्यादा इनके फेस्टिवल्स और यानी कि त्योहारों में देखने को मिलता है। अच्छा, कोई खास फेस्टिवल जो आपने अटेंड किया हो उसके बारे में बताना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस? जैसे कि मैंने कहा था कि मैं मार्च और अप्रैल के समय में इस जगह को मैंने विजिट करा था, तो यहाँ पर उस टाइम मैंने देखा था ओरिया फेस्टिवल। ओके। एंड ओरिया के अलावा भी उस टाइम कई फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन ओरिया इनका सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। अच्छा। एंड जहाँ पे ये लोग शुरुआत करते हैं नाच गाने से, वॉर डांस होता है, गांव एक दूसरे के साथ आते हैं, मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं, ये लोग अपने सारे पुराने कपड़े निकालते हैं, सारे कलेक्टेबल्स पुराने निकालते हैं, जो मैं आजकल सिर्फ म्यूजियम्स में देखने को मिलते हैं। ओह हाँ। लेकिन अगर हम ऐसे गांव विजिट करेंगे जी, तो तस्वीरें खींचने को काफी चीजें मिलेगी। बिल्कुल। और मुझे जो मन में एक सवाल आया है, क्योंकि हम FM गोल्ड पर हैं और गाना सुनाना हमारे को पसंद है और हमारा काम है, तो जो ये फेस्टिवल है इसमें गाने कैसे होते हैं? वो लोग खुद गाते हैं? एग्जैक्टली। या फिर वो भी FM गोल लगाते हैं? इन लोगों की स्पेशल बात ये है यहाँ के ट्राइबल्स की, कि ये लोग अपने गाने नाचते नाचते खुद ही गाते हैं। हाँ। और साथ में जैसे इनके लोग ड्रम होते हैं, ये बजते हैं, कई लोग साइड में बैठे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने के लिए, और वो भी पुराने होते होंगे इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी पुराने जो हमने नहीं देखे, या फिर देखे होते हैं? नहीं, हमने कहीं नहीं देखे। बिल्कुल। जैसा मैंने मतलब टीवी में देखा है वैसे ही मुझे लग रहा है, जैसे आप मुझे बताते जा रहे हैं, बिल्कुल मेरी आंखों के आगे ना एक पिक्चर जो है वो पेंट होती जा रही है, कि मुझे दिख रहा है कि उन्होंने अपने सर पे कुछ पहना हुआ है, गले में कुछ है, और वो लोग जैसे पैर उठा उठा के थंपिंग डांस टाइप कुछ है ना, ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसी ही बातें जारी रहेंगी तस्वीर में। निहारिका, आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ देखने लायक कौन सी जगह है, और वो हम आपसे पूछेंगे इस गाने के बाद, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा मेरे आंखों के आगे बिल्कुल पिक्चर आ रही है कि कोई डांस कर रहा है, लेकिन ये डांस नंबर नहीं है और बहुत ही सूदिंग सा एक गाना है किशोर दा की आवाज में। Oh,
बदला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका दे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। बहारों में नजारों में नजर डालूं तो ऐसा लागे, मेरी कसम वो नैनों में हरे काजल घूंघट खोले खड़ी है मेरे आगे रे, शर्म से बोझल झुकी पलकों में जवां रातों के फसाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ला 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 ला। निहारिका अरोड़ा से बातचीत जारी रहेगी तस्वीर में, और जानते रहेंगे उनसे अरुणाचल के दो खूबसूरत गांवों के बारे में, और वो गांव हैं कौन से, तिरप और लोंगडिंग। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे उनके साथ, तो आपको बिल्कुल कहीं नहीं जाना है क्योंकि आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ निहारिका भी है। अकड़ बकड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की सौ, सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की सौ, वही शाइन के भरोसे के साथ।
विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रही स्वस्थ नारी शक्ति कामकाजी महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए ESIC प्रदान करता है मातृत्व हित लाभ। 26 सप्ताह तक वेतन के बराबर भुगतान पाएं। गर्भपात की स्थिति में 6 सप्ताह तक वेतन के बराबर भुगतान। ESI योजना के अंतर्गत 60 लाख से अधिक बीमाकृत महिलाओं को मिल रहा है मातृत्व हित लाभ। मातृत्व, बीमारी, विस्तारित बीमारी एवं अस्थायी अपंगता हित लाभ का घर बैठे दावा एवं भुगतान के लिए www.esic.gov.in पर विजिट करें। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मत चलो को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। तस्वीर में आज मेरे साथ यानी कि अपराजिता के साथ हैं निहारिका अरोड़ा, सोलो ट्रैवलर, ये दिल्ली से ही है और आज हम इनसे जान रहे हैं अरुणाचल के लोंगडिंग और तिरप के बारे में। निहारिका, जैसा हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछा था कि आपने बताया कि आप अभी घूमकर आई हैं यहां पर, तो देखने लायक जगह हमारे लिसनर्स के लिए भी आप जरूर बताएं और ऐसे बताएं कि वो भी बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो जाए। इन डिस्ट्रिक्ट्स में खासियत यही है यहाँ के गांव, और यहाँ के जो गांव हैं वो इंडो म्यांमार बॉर्डर यानी कि इंडो बर्मीज बॉर्डर के पास लोकेटेड है। तो वहाँ पे जो कल्चर है म्यांमार से काफी सिमिलर है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने बॉर्डर ही क्रॉस कर लिया है, शायद हम दूसरे देश में खड़े हैं जी, लेकिन असल में खड़े हम इंडिया में ही होते हैं। बिल्कुल। और अगर हम यहाँ जगह घूमने की बात करें, अगर क्या ये जगह पूरी हिली है या फिर आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा प्लेन है थोड़ा हिल है? तो जो इस जगह की टाउन वाली साइड है वो प्लेन है सारी, और जैसे जैसे आप अलग अलग गांव में जाते हो वो हिली होता चला जाता है। और हिल्स भी यहाँ पर ऐसे हैं कि काफी ग्रीन है, क्योंकि यहाँ के लोग झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। और अपने यूसेज के लिए जब ये लोग पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेक श्योर करते हैं कि दोबारा वो पेड़ प्लांट भी करें फ्यूचर जेनरेशंस के लिए। कितनी अच्छी बात है ना, एक तरफ हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे भारत के इस राज्य के ट्राइब्स हैं, और कितना आगे की सोचते हैं कि ट्री प्लांट करने का भी इनका जो एक कर्तव्य है वो पूरा करते चलते हैं। और मैं तस्वीर के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी सभी को कि पौधा, एक छोटा सा नन्ना सा पौधा उगाना बहुत जरूरी है, और अगर आप आने वाली जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं, साफ हवा देना चाहते हैं, थोड़ी सी ग्रीनरी देना चाहते हैं, और दिल्ली जैसी जगह में रहकर तो ये कहना बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि अगर आपको लगता है कि आपने किसी प्लांट को निकाला है या एक जगह से उसको डिस्प्लेस किया है, तो एक नया पौधा जरूर लगाएं, वो आगे बढ़कर न जाने कितने लोगों को छाया देगा, पेड़ बनेगा, फल देगा। और निहारिका, ये तो हुई मोटिवेशन की बात, यहाँ ग्रीनरी की बात करते हैं, यहाँ ग्रीनरी में क्या कोई खास तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं जिन पर कोई खास तरीके की फल या बेरी होती है जिसे यहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है? नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू और बनाना का प्लांट देखने को बहुत मिलता है। अच्छा। और बनाना का प्लांट के यूसेज 50 से भी ज्यादा है। उसी के शूट में ये लोग कुक करते हैं, उसी शूट को खाते हैं। पत्तों का भी इस्तेमाल होता है, उसी में मुझे खाना सर्व करा गया था। क्या बात है। और बैम्बू शूट की बात आई है तो मेरी भी एक जो फ्रेंड है वो नॉर्थ ईस्ट से है, और उन्होंने बताया था मुझे एक बार कि बैम्बू शूट का जो अचार होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। आपने भी खाया होगा। खाने की बात चल रही है, आपने क्या क्या खाया? आपकी दोस्त ने बिल्कुल सही कहा, अचार बहुत ही बढ़िया था। और खाने में बहुत वैरायटी होती है, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस के लिए, मैं एक्चुअली वेजिटेरियन हूँ। ओ अच्छा, मेरी तरह।
तो मैंने अपने 7 से 10 दिन की ट्रिप में सिर्फ दाल चावल पत्ते की सब्जी वगैरह खाया। पत्ता मतलब कैसा पत्ता? जैसे हमारे यहाँ तो अगर कोई सर्दियों के समय में मेथी पालक खा कर हम ऐसा लगता है कि हमारा घर ही हरा हो गया है, तो इस तरीके का कोई स्पेशल है या? हाँ, वहाँ पे मुझे उसका नाम तो याद नहीं, कोई पत्ता था, लेकिन उसकी वो लोग सब्जी बनाते हैं बहुत ही बेसिक तरह से, बॉईल करके और नमक डाल के। ओ, बिल्कुल ही बेसिक। बिल्कुल बेसिक, पर आपको स्वाद आया उसमें क्योंकि दाल अच्छी थी। और इनके जो चावल होते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उसको रेड राइस बोलते हैं। अच्छा, उसमें प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। ओके, तो वो आपने रेड राइस खाया, और ये कह सकते हैं कि वेजिटेरियंस को जो प्रोटीन नहीं मिलता शाकाहारी होने की वजह से, वो रेड राइस खाकर पूर्ति हो जाती होगी। वो पूर्ति हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे साथ और मेरे दोस्त थे इस ट्रिप पर, उनको पूरी खाने में वैरायटी मिली। उन्होंने खूब एंजॉय किया, खूब एंजॉय करा, क्योंकि ये लोग पोर्क बनाते हैं। अच्छा। मीट बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, तो ये अगर आप उस तरह का खाना खाते हैं तो आपको खाने की किसी भी तरह से कमी नहीं होगी। बिल्कुल। और खाना बनाने का इनका तरीका कैसा होता है निहारिका? इनके पास बहुत बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, मेटल के पॉट्स होते हैं, उसी में ये लोग, पूरे इनका परिवार काफी बड़ा होता है, और उसी में खाना पकाते हैं काफी देर तक, और लकड़ी के चूल्हे पे बनता है, तो लकड़ी के चूल्हे पे जो खाना बनता है उसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। बिल्कुल, जो हमारे अब मतलब हमारे शहरों के पास के गांव से भी अब चूल्हे जो हैं वो लगभग गायब ही हो गए हैं। मैंने तो जरूर देख रखे हैं अपनी नानी के गांव में, लेकिन आगे वाली जनरेशन के लिए वो चूल्हे जो हैं आपको इंटीरियर में जाकर किसी के घर में दिखाने पड़ते हैं, तो वो आपको वहां देखने को मिले ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि अगर आप महानगरों से ऐसी जगहों पर ट्रैवल करने जाते हैं तो अपने बच्चों को ऐसी संस्कृति दिखाने के लिए जो भारत के ये राज्य हैं ये बहुत ही अच्छी जगह हैं। और जैसा निहारिका हमें बता रही हैं कि बहुत बड़े बड़े जो वेसल्स होते हैं इनमें खाना पकाया जाता है, और सब आपने बताया कि बैम्बू शूट में किया जाता है, पत्तों में, बनाना के पेड़ के पत्तों में। बिल्कुल। और स्पून वगैरह दी जाती है, हाथ से खाने का मजा सबसे अच्छा बेस्ट है। हाँ, वैसे मैंने सुना है कि हाथ से खाने वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि उसका स्वाद जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जी, और ऐसी स्वादिष्ट बातें होती रहेंगी तस्वीर में। पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, फिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम मेरे कदम मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, सांस है सांस है, ये कौन आज न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा 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 के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई, प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ओहो 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 ओह
लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई सुलझ गई सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए के बोलने को कुछ नहीं रहा न बोलने तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई निहारिका आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ कौन कौन से गांव हैं और सारे नाम तो नहीं है पॉसिबल आपका बताना लेकिन आप कौन कौन से गांव में गई और कौन सी चीजें आपको वहां पर बहुत खास लगी उन लोगों के बारे में। सबसे पहले गांव का नाम सुनकर शायद आप लोग को अजीब लगे बट इस गांव का नाम है कौन सा। अच्छा कौन सा गांव मैंने वही सवाल पूछा कौन सा गांव है तो ये कौन सा गांव लास्ट विलेज है या फर्स्ट विलेज जैसा आजकल हमें बोला जाता है कि बॉर्डर पे फर्स्ट विलेज इंडो म्यांमार बॉर्डर पे हाँ। और यहाँ पर वांचो ट्राइब से मेरी मुलाकात हुई। इसके बाद मैं गई वाका विलेज वाका के बाद चासा फिर तिरप लाहो लाजो तो ये सारे मेजर गांव थे जहाँ का चक्कर मैंने मारा। अच्छा और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं पूरे दिन जैसे हम लोगों के पास तो हम ये कहते हैं कि हम ऑफिस जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहाँ के बच्चे क्या करते हैं और यहाँ के बड़े क्या करते हैं। बच्चे यहाँ पे स्कूल जाते हैं क्योंकि अब इस तरह की फैसिलिटीज इन एरियाज में आ चुकी है। बहुत बढ़िया। लेडीज यहाँ पर खेती करती हैं आधे दिन तक शाम तक ही समझ लीजिए। अच्छा। और जो मेल्स हैं यहाँ के वो घर संभालते हैं जो अरे वाह हाँ जी घर संभालते से मेरा मतलब है गांव के थोड़े जो मैटर्स होते हैं वो सब देखते हैं पंचायत वगैरह। अच्छा। और जो यहाँ पे किंग भी होता है ओ क्या तो, बात है। हाँ तो गांव के किंग और वो को, किंग ताज भी पहनता है। वो किंग ताज तो नहीं पहनता लेकिन किंग का घर बनाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता है। किंग का घर बनाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता है भारतीय साइड से भी और बर्मा की साइड से भी। ओ अच्छा तो दोनों देशों के लोग मिलकर ये गांव उनका घर बनाते हैं क्योंकि पहले एक ही हुआ करता था सब कुछ। बहुत अच्छी बात है ये तो एक जो सभ्यता की बात है ये ऐसी जगहों पर देखने को मिलती है। और जैसा कि आपने कहा कि मुझे जो अच्छी बात लगी कि बच्चे जो हैं यहाँ पर स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं अगर हम अपने लाइफस्टाइल को उनसे कंपेयर करें तो क्या मोबाइल वहाँ तक पहुँच गया है। मोबाइल पहुंच गया है वहां पर लेकिन कॉलिंग तक ही सीमित है सब कुछ। हाँ। अगर लोगों को इंटरनेट वगैरह यूज करना होता है तो टाउन में आना पड़ता है जी। और टूरिस्ट के लिए भी टाउन में फैसिलिटीज बेहतर हैं तो रेकमेंडेशन मेरा यही है कि टाउन में स्टे करा जाए और हाँ। गांव तक अप डाउन करा जाए। अच्छा और अगर मैं आपकी बात करूं तो आप कहां रही थी। मैं कुछ दिन टाउन में रही थी। टाउन में मैं रहकर मैंने टाउन की थोड़ी बहुत सैर सपाटा करा और फिर मैं गांव में भी रही थी और गांव में मैं बहुत खुशी से बता रही हूँ कि मेरे को लोकल लोगों के घर पे रहने को मिला था। क्या बात है जिससे हम होम स्टे भी कहते हैं। हाँ हाँ आजकल ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है और मैंने देखा भी है कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है तो देखकर बड़ा मजा सा आया कि ऐसी चीजें भी हैं जो अब भारत में होने लगी है और ये लोग आपको बहुत दिल खोल के वेलकम करते हैं। बिल्कुल और मुझे लगता है कि जब तक वो आपको वेलकम नहीं करेंगे वो वार्म्थ आपको फील नहीं होगी तब तक आप उनके साथ रह भी नहीं सकते क्योंकि ऐसे ही किसी के साथ रहना इतना आसान नहीं है और वो भी ये सोच सकते हैं कि न जाने सामने वाला कैसा है। आप भी ये सोच सकते हैं दोनों लोगों को ये एक दूसरे के लिए आभास होना बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जब यहां रहीं तो आपने कुछ पे भी किया उन लोगों को। कुछ होमस्टेज में आजकल क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब अप्रूव हो गया है तो कुछ रेट्स डिसाइड हो जाते हैं जी कि गेस्ट आएंगे तो
इतना रेट फिक्स्ड है, लेकिन कई बार आप लोगों के घर बस ऐसे ही चले जाते हो और वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप हमारे यहाँ प्लीज रुक जाओ। उनको भी अच्छा लगता है क्योंकि एक्सपोजर उतना नहीं है, तो उनके घर कोई आता है उनको बाहरी दुनिया की बातें बताता है, बिल्कुल, तो बहुत अच्छे से और कान लगा के सुनते हैं। और आपने क्योंकि मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आप वीडियोग्राफी वगैरह भी करती हैं, आप यूट्यूब पर भी हैं, तो जब आप इन लोगों के वीडियोज वगैरह बनाती होंगी तो उनका कैसा रिएक्शन होता था? ये लोग फेसबुक पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ओ अच्छा। तो मुझे सोशल मीडिया वहां तक सोशल मीडिया पे काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है, एंड जब ये लोग खुद के गांव देखते हैं स्क्रीन पर तो सबके कमेंट्स मुझे आते हैं कि अरे ये मेरा गांव है, अरे ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है। बहुत अच्छी बात है। और जैसा हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो इंटरनेट है ये गांव तक भी पहुंच गया है और वो लोग भी अवेयर हो रहे हैं और अपने आप को सोशल मीडिया से कनेक्ट कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से वो शहरों से जुड़ पा रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और फिर निहारिका से एक बार फिर जानेंगे इन्हीं जगहों के बारे में, इन्हीं गलियों के बारे में, इन्हीं छोटे छोटे प्यारे प्यारे घरों से जुड़ी और बहुत सी बातें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। Gapuchi gapuchi gum gum, kishiki kishiki gum gum, gapuchi gapuchi gum gum. Oh salam, hum dono saath rahe, janam janam. Oh salam, hum dono saath rahe, janam janam. Gapuchi gapuchi gum gum, kishiki kishiki gum gum, gapuchi gapuchi gum gum. डाली जैसा तन है तेरी ही अमानत हर धड़कन है, फूलों जैसा चेहरा डाली जैसा तन है तेरी ही अमानत हर धड़कन है। अरे आ भी जा बाहों में प्यार का gapuchi gum gum kishiki kishiki gum gum gapuchi gapuchi gum gum jadoo bhari aankhein khwabon ke khazane mehki mehki saansein gaati hai tarane jadoo खजाने महकी महकी सांसें गाती हैं तराने अभी जा बाहों में प्यार का gapuchi gum gum kishiki kishiki gum gum gapuchi gapuchi gum gum jaage jaage arama bhiga bhiga mausam dilon ki ye halchal bundon ki ye chham chham भीगा मौसम दिलों की ये हलचल बूंदों की ये छम छम आ भी जा साहों में प्यार का हो संगम अरे ओ सनम हम दोनों
साथ रहे जन्म जन्म ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म दिल्ली में दमदार माइलेज शानदार स्टाइल मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की सौ सिर्फ 64,900 की एक्स शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की सौ वही शाइन के भरोसे के साथ। समय है अभी देर ना हो जाए कहीं पैन धारक कृपया ध्यान दें यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक ₹1,000 की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें ऐसा ना करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा पैन इन ऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे ध्यान रहे किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर ₹10,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है डिटेक्टर्स के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिटेक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं याद रखें सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता हिम्मत है मेरे पास ताकत है मेरे पास अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास मच्छरों को अब सबक सिखा दो खतरा हो कहीं बटन दबा दो पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके यही नहीं एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी अकड़ बकड़ बम्बे बोल देखो आ गई शाइन की सौ दिल्ली में दमदार माइलेज शानदार स्टाइल मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की सौ सिर्फ 64,900 की एक्स शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा टू व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें आ गई है शाइन की सौ वही शाइन के भरोसे के साथ जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950 आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारा मेल आईडी है matdatajunction@gmail.com matdatajunction आप सुन रहे हैं तस्वीर आपके अपने आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर हमारे साथ हैं सोलो ट्रैवलर निहारिका अरोड़ा निहारिका अभी हम ब्रेक के दौरान बात कर रहे थे आपने मुझे बताया कि यहां लॉन्गडिंग और तिरप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरुणाचल की यहां कोई अवार्ड भी अभी दिया गया है बिल्कुल तो ये बात इससे शुरू होती है कि हमें स्कूल में फ्रीडम के बारे में काफी कुछ पढ़ाया जाता है कहानियां बहुत सारी जगह से है इंडिया की कई स्टेट से है लेकिन जब मैं नॉर्थ ईस्ट पहुंची अरुणाचल में तब यहां से जब मुझे फ्रीडम फाइटर्स की कहानी सुनने को मिली मुझे खुशी भी बहुत हुई मुझे हैरानी भी बहुत हुई जी यहाँ के वांचो ट्राइब को फ्रीडम फाइटर का अवार्ड दिया गया है रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या बात है और कहानी कुछ ऐसी है कि नीनू और नीसा विलेजेस में जब
आई थिंक 1875 के आसपास अंग्रेज आए थे और उन्होंने यहाँ के प्रिंस को कुछ छेड़ाखानी करने की कोशिश करी थी, लोगों को परेशान करने की कोशिश करी थी. तो यहाँ के लोगों ने रिबेलियन करा और यहाँ के लोगों ने करीबन 200-300 अंग्रेजों को वापस भेजा. क्या बात है. इस पूरे इंसिडेंट को नीनू मैसेकर के नाम से काफी फेमस हुआ है ये अभी. अच्छा. और वहाँ के कोई रहने वाले हैं, नेफा वांगसा एक राइटर रिसर्चर है, उन्होंने बुक भी लिखी है इस पर. तो उन्होंने हमें जब हम गए थे पूरी कहानी उन्होंने मुझे बताई और मतलब कहीं ना कहीं अंदर आप बहुत प्राउड फील करते हो ये कहानियां जानकर. जी बिल्कुल. और जहां देशभक्ति की बात आती है तो वहां तो भारत बिल्कुल नंबर वन पे आता है मुझे लगता है. और फिलहाल एक गीत सुनते हैं और उसके बाद जानेंगे निहारिका से कि क्या खास बात, एक कोई स्पेशल टिप वो हमारे जो लिसनर्स हैं उनको देना चाहती हैं. तो सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल. हे आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है.